नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। रानिया निकाय चुनाव को लेकर के तमाम अपडेट जो है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं और जो कैंडिडेट हैं जो कि प्रत्याशियों ने जिन पे भरोसा जताया है उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज दीपक गाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चौधरी रणजीत सिंह के काफ़ी क्लोज माने जा रहे थे। काफ़ी संशय बरकरार, लगातार आशंकाएँ जो चल रही थी, कभी माना जा रहा था कि टिकट मिलेगा, कभी कहा जा रहा था नहीं मिलेगा, निर्दलीय लड़ेंगे, यानी कि तमाम चर्चाएँ जो है वो चल रही थी। लेकिन आज उन तमाम चर्चाओं पे विराम लगाने का काम जो है वो तमाम पार्टी नेताओं ने कर दिया है। चौधरी रणजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी और गोविंद कांडा की ओर से कैंडिडेट जो है वो घोषित हो चुके हैं और उसके साथ साथ एक नई अपडेट ये भी मिल रही है कि जननायक जनता पार्टी का भी सपोर्ट इनको मिल रहा है। तो इनसे बातचीत करते हैं। गाबा साहब, अगर बात करें तो चार पार्टियाँ लगातार आपके साथ हैं। पहले चर्चाएँ चल रही थी कि गाबा साहब इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं, तो उन तमाम चर्चाओं पर तो विराम लग चुका है, लेकिन अब आने वाले समय में चार पार्टियों का साथ, समर्थन, सपोर्ट सब कुछ मिलेगा, क्या कुछ कहना था? ऐसा है, चारों पार्टियां अपनी, उन्होंने जो मुझे समर्थन दिया है, उन्होंने अपना सर्वे किया और सर्वे में जब देखा कि दीपक गाबा शहर की आवाज़ है, सब लोग दीपक गाबा को चाहते हैं, तो उन्होंने उनसे मिलकर चौधरी रणजीत सिंह के आशीर्वाद से सबने समर्थन दिया। ठीक है, तो आने वाले समय में अगर बात करें तो क्योंकि आप तो पार्षद भी हैं और रहे हैं पार्षद, तो अपने वार्ड को लेकर के और उसके साथ साथ दूसरे वार्डों को भी अब ध्यान में रखना पड़ेगा, तो तमाम पूरे रानिया शहर के अगर बात करें तो मुद्दे क्या क्या लेकर के जाएंगे सर? अगर रानिया की जनता ने मुझे सेवा का मौका दिया तो रानिया की सबसे मेन जो मुद्दे हैं, शहर का सुंदरीकरण, रानिया नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला और सफाई का मेन ध्यान, लाइटों की कमी, सीवरेज पानी की व्यवस्था, बहुत सी ऐसी समस्याएं जो हमारे आम नागरिकों को परेशान होना पड़ता है। अगर मैं रानिया की सेवा करता हूं तो जो भी तमाम समस्याएं हैं इन पे इनका समाधान किया जाएगा। ठीक है, नशे की सबसे बड़ी समस्या है पूरे रानिया शहर के अंदर और 7 और 8 नंबर वार्ड के लोगों ने तो एक जलसा भी निकाला था, तो उसको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की? इस तरह जो 7 और 8 वार्ड के अंदर नशे का है उसके अंदर भी पूरी रोक लगाई है। मंत्री जी हमारे चौधरी रणजीत सिंह ने भी SHO साहब को आदेश दिए कि अगर कोई भी गलत काम करता है उसे उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें, और हम भी कड़ी निगरानी रखते हैं। SHO साहब को मैंने भी 1-2 नाम दिए जिनका हमें पता लगा ये नशा बेचते हैं, और भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी अगर सेवा के अंदर मैं रानिया की सेवा में आता हूँ तो। सर, अगर बात करें तो सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने स्टेडियम का निर्माण करवाया था, लेकिन उसके बाद से उसका उद्घाटन भी शायद पूरा नहीं हुआ होगा। उसकी जो बिल्डिंग है वो खस्ता हाल हालत में हो चुकी है, करोड़ों रुपए बेकार हैं। नशे को रोकने के लिए स्टेडियम बनाया गया, लेकिन वहीं उसी स्टेडियम में सबसे ज़्यादा नशा। बिल्कुल, इसकी बहुत बड़ी कमी रही है। हम अपनी सरकार को लिखकर भेजेंगे कि यहाँ पर परमानेंट कोच दिया जाए, क्योंकि स्टेडियम के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरत कोच की है। अगर कोच होगा तो बच्चों का ख्याल जो है नशे को छोड़कर खेलों की तरफ जाएगा। इसमें सुधार 200% लाया जाएगा और बड़ी ही जल्दी। गाबा साहब, अगर बात करें तो सरकार का आपके सर पे हाथ है, बिजली मंत्री का आपके सर पे हाथ है, उसके अलावा अगर बात करूं तो तमाम बड़े नेताओं का आपको सपोर्ट, समर्थन मिल रहा है, तो लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सीवरेज की है और एक जो कचरा प्रबंधन प्लांट है वो खाली पड़ा हुआ है, और इसके बाद अगर बात करें तो गलियों की है, रानिया की मार्केट की है, तो इन समस्याओं पर क्या चुनाव से पहले भी कुछ इम्प्लीमेंट किया जा सकता? नहीं, ऐसा है, आचार संहिता लागू हो चुकी है और सरकार का बिल्कुल, चौधरी रणजीत सिंह जी का, भारतीय जनता पार्टी का, जननायक जनता पार्टी का, भाई गोविंद कांडा जी का, सबका समर्थन है। इसीलिए रानिया की जनता चाहती है कि आज हम जो भी बनाएं वो सरकार के बीच में अपनी आवाज़ उठा सके। आज मुझे अगर रानिया शहर की जनता कहती है तो मैं चंडीगढ़ तक अपनी आवाज़ अपने फ़ोन पर चौधरी साहब को कहकर काम करवा सकता हूँ, और जो भी कोई समस्या होगी उसका तुरंत समाधान होगा, क्योंकि सरकार का आशीर्वाद है और मैं सरकार का ही नुमाइंदा हूँ। मैं भी लोगों के बीच, अब आप जा रहे हैं क्योंकि टिकट फाइनल हो चुका है, तो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोग क्या क्या समस्या है मुख्य? लोगों की सबसे जो मेन समस्या है वो लाइटों की एक बहुत बड़ी समस्या है। रानिया शहर के अंदर लाइटों की बहुत बड़ी कमी है और सीवरेज की समस्या है। सीवरेज प्रणाली, कई गलियों में सीवरेज डलने वाला है। पानी की पाइपें जो बहुत पुरानी, 20 साल पुरानी डली हैं, वो 8-8 फुट गहरी हो चुकी हैं, कनेक्शन लेने में दिक्कत आती है, और सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। रानिया की जो आबादी है, आबादी के अनुसार कम से कम 60 कर्मचारी चाहिए रानिया को, और अभी हमारे पास नगर पालिका में स्थायी कर्मचारी है। जल्द ही रानिया शहर के चेयरमैन बनने के बाद 60 से ऊपर के कर्मचारी नए रखे जाएंगे, जो कि हर वार्ड में 3 या 4 कर्मचारी दिए जाएँ, और जिससे
सफाई व्यवस्था जो व्यवस्था है सुधारी जाए। ठीक है, मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट के जो दुकानदार हैं उनको किस तरह की समस्या? मार्केट के दुकानदारों को कोई बहुत मुख्य समस्या नहीं है, मार्केट के दुकानदारों के अंदर सिर्फ सफाई का ही है, जो उनके कचरे हैं शाम के वो दिन में डेली सफाई है, वो जब हम सेवा में आएंगे तो सफाई का जो सफाई की व्यवस्था है उसे बढ़िया कर दिया जाएगा, मुख्य मुद्दा सफाई का ही बाजार का। यानी कि रानिया को सबसे सुंदर शहर बनाना मुख्य लक्ष्य? हाँ, मुख्य लक्ष्य बिल्कुल सुंदरकरण शहर। अगर आप बात करूं आपने पार्षद रहते हुए वार्ड में किस तरह के काम करो? मेरे वार्ड नंबर 5 था जिसमें मैं पार्षद था, मेरे वार्ड के अंदर सिर्फ 2 गलियां कच्ची थी, वो दोनों गलियां पक्की गई, उन 2 गलियों में सीवरेज नहीं था, सीवरेज डलवाया, बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ऑलरेडी उस वार्ड में थी। रानिया शहर का जो मेन सेंटर था वो मेरा वार्ड था, वो सुविधा से पहले ही फुल था, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं थी कि जो लोगों को कमी हो, और जो कमियाँ थी वो पूरी करी, लाइटों की कमी थी वो मैंने नगर पार्षद बनते ही अपनी गलियों की लाइटें साथ के साथ सरकार की तरफ से मंगवा के लगवा दी थी। चेयरमैन बनने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वार्ड नंबर 5 की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और बाकी जो शहर है उसको थोड़ा सा कम कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं, जब ये चुनाव रानिया शहर का है, शहर की जनता मुझे बनाएगी तो समान हर वार्ड का विकास होगा, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी का हो, किसी में भेदभाव नहीं होगा, सब जो मेरे MC मेरे साथ बन के आएंगे उनकी जो डिमांड होगी सारी जल्दी से जल्दी पूरी की जाएगी। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे दीपक गाबा जी हमारे साथ मौजूद थे, तमाम विषयों पे, तमाम मुद्दों पे चर्चा की, कौन कौन से मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता जो है वो इनसे क्या उम्मीद कर रही है और ये जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बेहद मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे और अब जो है इनको 4-4 लोगों का सपोर्ट सीधे तौर पर मिल रहा है। जननायक जनता पार्टी का सपोर्ट है, चौधरी रणजीत सिंह का सपोर्ट है, गोविंद कंडा का सपोर्ट है और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है। तो इससे ये जाहिर हो रहा है दीपक गाबा जी साफ तौर पे पूरे आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में जनता जो है वो इन्हीं पे भरोसा जताएगी। खैर, आने वाले समय को पे छोड़ देते हैं, ये कि आखिर किस प्रकार से जनता क्या अपना निर्णय देती है ये आने वाले समय में पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल दीपक गाबा की क्या सोच है और कैसा शहर ये रानिया को बनाना चाहते हैं मौका मिलने के बाद, ये तमाम चर्चाएं हमने इनसे की। आने वाले समय में और भी इनसे लगातार डिस्कस हमारी जारी रहेगी क्योंकि मुद्दे बहुत से हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा जो है विस्तार से लगातार करते रहेंगे और आने वाले समय में किस प्रकार से इनका इलेक्शन रहता है वो भी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ और इस इंटरव्यू को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।